हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द जॉब अपडेट में। मैं विपिन। रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, आपकी वैकेंसी आई है पावर ग्रिड में। एंड देख लीजिए कितनी वैकेंसी है एंड उसमें एलिजिबिलिटी क्या है एंड डेट कब से ऑनलाइन होने हैं। तो आपके डेट जो ऑनलाइन होने हैं वो 24 मई 2021 से स्टार्ट है। आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात की जाए तो आपकी डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल में आपकी 30 वैकेंसी है, जिसमें जनरल 11, ओबीसी 7, एससी 6, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस 4। एंड अगर बात की जाए डिप्लोमा ट्रेनी सिविल की तो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी 5 है, जिसमें जनरल 2, ओबीसी 1, एससी 1, ईडब्ल्यूएस 1। एंड अगर आपका एलिजिबिलिटी की बात की जाए कि आपको एलिजिबल कौन से, आपने डिप्लोमा किया हो, कितने साल वाला डिप्लोमा किया है, आपके पास बीटेक है या कुछ और है, तो आपका जॉब स्पेसिफिकेशन बता दिया जाता है क्वालिफिकेशन कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूट, जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी 70% मार्क्स एंड ईडब्ल्यूएस एंड पास मार्क फॉर एसटी एसटी। एंड इसमें एक बात और बोली गई है, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीई, एमटेक, एमई इज नॉट अलाउड विद और विदाउट डिप्लोमा। तो आप अपना जो भी है, क्योंकि इसमें डिप्लोमा ट्रेनी लिखा हुआ है, मतलब ये ओनली डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 3 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है। एंड एज की बात की जाए तो मैक्सिमम 27 साल फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस एंड 30 फॉर ओबीसी एंड 32 फॉर एससी एसटी। डिप्लोमा ट्रेनी इन सिविल फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा 70% मार्क्स जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी एंड पास मार्क फॉर एससी कैंडिडेट। सिविल इंजीनियरिंग आपने कर रखी है एंड सेम एज आपकी जो इलेक्ट्रिकल में है वही ओबीसी में है, सिविल में है। इजुअल कैंडिडेट में नॉट दैट रिक्वायरमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी आर कंडर रीजनल बेसिस अगेंस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ कर्सन रीजन, हैंस कैंडिडेट ज्वाइनिंग सच पोजिशन इन रीजन आर नॉट इंटेल फॉर इंटर रीजन ट्रांसफर रिक्वेस्ट। देखिए, अब अपनी आप इंटर रीजन ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को नहीं डाल सकते हैं सिलेक्ट होने के बाद, क्योंकि ये आपका बाहरी ज़्यादातर होता है। एंड रिजर्वेशन जो फॉलो रूल हैं उसी हिसाब से रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। पूरा नोटिफिकेशन देख के उसके बाद आप फॉर्म भरिए। एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, ओनली रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी कंडक्ट। या तो आपका रिटन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें अभी कोई मेंशन नहीं किया कि वो उन्होंने दोनों के लिए ऑप्शन खोल के रखा है कि वो रिटन टेस्ट भी करवा सकते हैं या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एग्जाम भी करवा सकते हैं। देखिए, टाइप ऑफ रिटन टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा आपका। ईच क्वेश्चन सेल 4 ऑप्शंस, 2 आवर्स ड्यूरेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन मतलब 4 ऑप्शन होंगे, मतलब मल्टीपल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी में बात करें तो। एंड 2 घंटे का आपका पेपर होगा एंड उसमें ये देख लीजिए कि क्या क्या आएगा। तो अगर टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात की जाए, टेक्निकल नॉलेज टेस्ट प्रोपोर्शनल, तो टेक्निकल जो अपना आपका सब्जेक्ट वाइज आएगा वो है 120 मार्क्स का। आपका रिस्पेक्ट डिसिप्लिन अलग इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल वाला आएगा, सिविल वाला है तो सिविल वाला आएगा। एंड पार्ट 2 एप्टीट्यूड टेस्ट विथ 50 क्वेश्चन, वोकैबुलरी, वर्बल क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा सफिशियंस, इंटरप्रिटेशन, नंबर ऑफ एबिलिटी ETC। आपका नॉन टेक आएगा, सीधी सी बात, रीजनिंग, मैथ और थोड़ा सा इसमें वोकैबुलरी और वर्बल कंप्रेशन में, मतलब थोड़ा सा इंग्लिश भी आ सकती है। एंड मल्टीपल क्वेश्चन है एंड माइनस मार्किंग 1/4 की माइनस मार्किंग है।
और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका वही है, मिनिमम 40% मार्क्स फर्स्ट एंड 30% सेकेंड सेपरेटली। टेस्ट सेंटर की बात की जाए कि आप कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर हैं आपके, तो तीन एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, दिल्ली राजस्थान में दिया है जयपुर एंड देहरादून फॉर उत्तराखंड। तो आप इन तीनों में आपको जो भी सूटेबल लगे वो आप भर सकते हैं। हेल्थ स्टैंडर्ड के लिए बोला है तो इनकी हेल्थ स्टैंडर्ड और वेबसाइट, इनकी वेबसाइट पर मेडिकल स्टैंडर्ड मिल जाएगा कि किस हिसाब का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। एंड अगर पे की बात की जाए ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड एंड रेगुलर ट्रेनिंग के टाइम पे एंड उसके आपको रेगुलर होने के बाद 27,500 रुपये देंगे जी ओनली। एंड उसके बाद बेसिक पे और रेगुलर से 25,000 से 1 करोड़ 1 लाख ठीक है, 1,70,500 ज़्यादा अमाउंट नहीं है। एंड सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड की बात की जाए तो आपकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 2,50,000, एससी एसटी के लिए 1,25,000। देखिए बॉन्ड का क्या होता है, जब आप जॉब छोड़ते हैं तब आपको बॉन्ड भरना पड़ता है। एंड इस जो इसलिए होता है कि आप सर्विस ना छोड़ें, कंप्लीट द ट्रेनिंग पीरियड एंड देयर आफ्टर सर्व ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट 3 ईयर ठीक है। आप 3 ईयर का आपका बॉन्ड होता है, अगर 3 साल के पहले आप जॉब छोड़ेंगे तो आपको ये बॉन्ड भरना पड़ेगा। एंड आपकी जो फीस है कि आप अभी एग्जामिनेशन फीस है वो आपकी 300 रुपये है फॉर जनरल ओबीसी एंड एससी एसटी एप्लीकेशन फीस 0। एंड आप इनकी वेबसाइट पे जाकर powergrid.in पर जाकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड देख लीजिए फोटोग्राफ 50 KB, सिग्नेचर 30 KB, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो हमको कमेंट कीजिए तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। एंड लास्ट डेट की बात की जाए तो इसकी लास्ट डेट आपकी 15 जून है, 15 जून तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन डेट अभी नोटिफाइड नहीं हुई है तो बहुत जल्दी आपकी वेबसाइट पर आ जाएगी कि अब आपका एग्ज़ाम होगा, सो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक करें सब्सक्राइब करें, थैंक्स।